साल 1989 में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ कराची में टेस्ट में डेब्यू करने वाले सचिन ने 2013 में संन्यास लेने से पहले 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 15,921 रन बनाए। उनमें उनके नाम 51 शतक और 68 अर्धशतक दर्ज हैं। टेस्ट में नाबाद 248 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने वाले सचिन ने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच के बाद टेस्ट से संन्यास ले लिया था। जुदा समय में इंग्लैंड के अलिस्टर कुक ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो सचिन के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। साल 2006 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने वाले अलिस्टर कुक ने अब तक 156 मैचों की 282 पारियों में करीब 12,145 रन बनाए हैं। इसमें उनके 32 शतक और 56 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि 33 साल के कुक अभी भी सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने से 3,776 रन पीछे हैं। हो सकता है वो इससे पहले ही संन्यास ले लें। अगर कुक सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले ही संन्यास ले लेते हैं तो फिर सचिन का सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड काफी समय तक कायम रह सकता है। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सचिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने 168 मैचों में 13,378 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 166 मैचों में 13,289 रन बनाए हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।